ठीक वो भी करता बड़े बड़े लेक्चर में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं अरे क्या करेंगे देखो मुंबई और प्रेस्टीज दो जगह जगह मिलने की बहुत मारा मारी है तो, खास तुम्हारे लिए इस पूरे क्लास को रिनोवेट कराया गया है फ्त तुम्हारा पहले वाला अच्छा है ना ऑब्वियसली ऑब्वियसली पर एक टाइम था तुम उसको भी नहीं जानते थे <laughs> है ना बट क्या होता है हम लोगों के साथ एज ह्यूमन हमारे साथ एक आदत होती है कि एक जगह की हैबिट हो जाती है इनफैक्ट कई लोगों का तो वास्तु इतना गजब का होता है कि उधर बैठे तो ही समझ आएगा दूसरी जगह बैठे तो समझ भी नहीं आएगा क्या है उधर से ऐसे एंगल सेट होते हैं ना एंगल यू ना एंगल लेक्चर में जितना समझ में आए ठीक है नहीं तो उसको देख के सेक्शन समझ लो ऐसा भी होता है उसको समझ लो ना मेरे को भी समझ गया तो ऐसा भी होता है समझ सकता हूँ यस yes, जैसे लास्ट बेंच पे समझ में आएगा तो लास्ट में ही समझ में आएगा फर्स्ट में समझ में आएगा तो फर्स्ट में ही समझ में आएगा और क्या कुछ जैसे अखंड सिंगल लोग हुए बराबर है कुछ अखंड सिंगल लोग हुए गलती से इनके बाजू आके ऐसा लड़की बैठ गई इसमें उसका लेक्चर जाएगा बराबर <laughs> है और ऐसे लिखते लिखते गलती से उसका ऐसा हाथ टच हो गया <laughs> इसमें उसका नींद भी जाएगा बराबर है ना यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी लोगों को जी स्क्रीन <coughs> चलो जी आ जाओ आ जाओ सभी लोग फटाफट आ जाओ कैमरा ही सेटअप ही ला दिया मैंने कहा ना कहावत एक लड़की दुनिया ही ला सकती है कहा ना मैंने एक लड़की दुनिया ही ला सकती है हैंस प्रूड <laughs> पीछे रख दो उसको रादर वो जो बेंच है ना बेंच के पीछे कर दो उसको जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है सर जी दो मिनट <clears throat> और थोड़ा सा और थोड़ा डाउन देखा एक लड़की ने पूरी दुनिया ही हम पंद्रह मिनट से सेटअप कर रहे हैं <laughs> मतलब लड़का पंद्रह मिनट से मेहनत कर रहा कोई लेन देन <laughs> नीचे कर दो उसको थोड़ा सा और नीचे कर दो बस बस परफेक्ट लड़कों को जगह नहीं मिलती उधर <laughs> <नहीं>, गर्ल्स <laughs> नहीं पता है कि वो वो ऑफेंड क्यों हो गई वो कैमरा में को देख रहा था उसको नहीं देख रहा था उसको सेल्फाई लेते नहीं जमा ना सेल्फाई वॉज द राइट वर्ड राइट चलो हाँ जी तो सभी लोगों को गुड 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 आफ्टरनून अच्छा गुड आफ्टरनून चलो जी सो so, आप सभी लोग जानते हैं ये जो फास्ट फाशा है ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आज नेक्स्ट डे है शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो फिफ्ट या सिक्स डे जो भी जैसा भी हम हाउस प्रॉपर्टी पे थे हाउस प्रॉपर्टी का कल हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर दिया था राइट और आज हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर देना है ठीक है तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर आप आज पहला दिन देख रहे हैं या आज आप पहले दिन लेक्चर के अंदर में आए हैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले के सारे लेक्चर देख लीजिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिए चलो सो so, uh, बच्चों याद करो सबसे पहले हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था यस यस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में सेक्शन 22 टू पढ़ा था सेक्शन 22 टू के अंदर में कितने पार्ट थे बेटा तीन अससी मस्ट बी ओनर ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर यस अससी लैंड मस्ट बी यूज फॉर लैंड मस्ट नॉट बी यूज फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन यस देर मज बी लैंड बिल्डिंग अपर्टेन देयर टू याद आ रहा है मालिक डीम डोनर के अंदर में पांच लोग कवर थे बताओ जल्दी से कौन से पांच लोग थे के अंदर में पहला ट्रांसफर टू फॉर दूसरा ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इन एडिकुएट कंसिडरेशन तीसरा होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट लीज फॉर मोर देन ट्वेल्व इन याद आ रहा है मालिक एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन तो ये सारी चीजें उसके अंदर में कवर थी मेंस yes. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मैट टू सॉल्व हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले था ग्रॉस एनल वैल्यू ग्रॉस एन एल में, में से, से माइनस होगा मुनी मुनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड और उसके बाद में आएगा एनएवी एनएवी में से दो डिडक्शन मिलेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन बरोड कैपिटल चलो जीएवी जीएवी एआरआर अर्निंग कैपेसिटी और फेर किससे बेटा कैसे निकलता है? रेंट रिसीव रिसीवेबल माइनस एक चेंज आया है में, जो अपने को आंसर में भी एटलीस्ट लिखना पड़ेगा अनरियलाइज रेंट सिर्फ ARR से माइनस हो सकता है या डायरेक्ट जीएवी में से भी माइनस हो सकता है डायरेक्ट जीएवी में से भी माइनस हो सकता है दिस इज अ चेंज इन आईटीआर फॉर्म्स जिसको आपके बुक्स में भी रखा गया है इसके बाद हम लोग आगे बढ़े म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पे चलो फटाफट मेरा बच्चा जवाब देगा म्युनिसिपल टैक्स इंडिया में पे किया फॉरेन में पे किया दोनों अलाउड है म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया अलाउ yes. नहीं है म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया अलाउ एक्चुअल पेड इज अलाउड एज डिडक्शन

यस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल चलिए जल्दी से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बताइए क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल हाँ। का मिलता है है हाँ। पर एटीसी याद आ रहा अच्छा इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट अलाउड नहीं है न्यू लोन टेकन टू रिपे एग्जिस्टिंग लोन अलाउड है यस yes? अच्छा जो इंटरेस्ट होगा आउटसाइड इंडिया अगर आप पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया अगर आप पे कर रहे हैं टीडीएस काटा तो ही डिडक्शन मिलेगा यस yes, अच्छा इंटरेस्ट का डिडक्शन पेड बेसिस पे है या अक्रूवल बेसिस पे भी मिलेगा अक्रूवल बेसिस ना अरे हाँ या ना रेहा yes, अच्छा जी इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन कितना मिलता है परसेंट ऑफ पोस्ट क्या बोला बेटा मैंने वन फिफ्त ऑफ प्री प्लस हंड्रेड परसेंट ऑफ पोस्ट यस वैसे प्री एक कैपिटल इंटरेस्ट था इसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था बट फिर भी क्या किया डिडक्शन दिया फिर भी क्या किया बेटा बोलो तो दिया पर एक साथ दिया या हौले हौले सालों में? सालों में, तो पे है और में पे तो डेट ऑफ बोरिंग से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट और अगर कंस्ट्रक्शन पहले हो गया तो नाइनटी केस में होगा डेट ऑफ बोरिंग से प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन क्लियर है मालिक चलिए इसके आगे बढ़ते हम लोग हमने बात करी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की

एक्विजीशन और कंस्ट्रक्शन आफ्टर वन फोर नाइटेटेड विद इन अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो टू लैक्स नहीं तो मैक्सिम लिमिट थर्टी थाउजेंड अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है सिर्फ इंटरेस्ट लिमिटेड रहेगा या अनलिमिटेड चाहे वो रिपेयर के लिए हो कंस्ट्रक्शन के लिए, लिए हो. आरोप हो. हमने मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेक्यूपाइड का concept देखा था दो प्रॉपर्टी कोई भी आप अपने हिसाब से एसओपी रख दो तीसरी प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी डीएलओपी क्लियर है मालिक दोनों प्रॉपर्टी का मिला के मैक्सिम इंटरेस्ट कितना अलाउड रहेगा टू लैक्स डी के केस में अनलिमिटेड अलाउड रहेगा तीसरी चीज हमने देखी थी प्रॉपर्टी पूरा नॉर्मल कैलकुलेशन इंटरेस्ट अनलिमिटेड चौथा चीज हम लोगों ने देखा था पोर्शन पोर्शन सेल्फ लेट आउट याद आ रहा आएगा तुमको यस पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट में सबसे पहले आपको वर्किंग नोट करके चीजों को क्या करना पड़ेगा डिवाइड एसओपी को एसओपी जैसे सॉल्व करो एलओपी को एलओपी जैसे सॉल्व करो याद है क्या तुम्हें याद है ठीक है चलो जी सर so, अब आते हैं हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर होल ईयर पेज नंबर चार पॉइंट तीन लेट आउटर्टीप वेकेंट फॉर होल ईयर चार पॉइंट तीन बच्चा मेरे से सवाल पूछ रहा है सर आपका फर्स्ट सैलरी कितना आया था वैसे वो इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी फिफ्टी टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ सीएम बनने के बाद यस yes, फिर मैंने कुछ छः महीने जॉब करी और छः महीने जॉब करके मेरे को समझ में आ गया कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी की सुन सकता है तो मैंने जॉब छोड़ दी बेटा यस yes, हाँ जी क्या बोले नहीं मैडम की तो उतार चढ़ाव नहीं मैडम की सुनना ही पड़ता है मतलब आप समझ रहे हो क्या मैडम की सुनना ही पड़ता है इसमें तो कहाँ ऑप्शन है यार हा? मेरे को रोज खाना खाना है घर पे जाना है अच्छा हाइट ये वीडियो वो देख भी लेती है मेरा तो मेरे को संभल के बोलना भी पड़ता है क्या बोल बहुत दर्द बाहर आ गया चलो यस लेट आउट प्रॉपर्टी किप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर अब मेरी एक बात समझिए ये कॉन्सेप्ट क्या है पहली बात ये कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा नहीं एग्जाम एग्जाम्पलू से आधे बच्चे यहां रिलैक्स हो जाओ पहले ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा नहीं कॉन्सेप्ट है क्या उसके पहले दिमाग लगा दो अब सपोज अगर कोई एसेसी है जो बिल्डर है जो कौन है बेटा बिल्डर है या प्रॉपर्टी उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है मतलब ही हैज अ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी ठीक है अब आप सोच करके देखिए अगर मैं बिल्डर हूं ठीक है हम हैं विजय बिल्डर्स काफी फैला हुआ बिजनेस है सो so, अब विजय बिल्डर्स

अब ऐसी प्रॉपर्टी भी है तो खाली इसका आरई आर तो ही रहा है ए आर आर नहीं भी आ रहा तो तो आर के बेसिस पे इन्हें क्या किया जा रहा था टैक्स किया जा रहा था तो सारे बिल्डर्स ने जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करा कि बोले मैडम देखिए ये अगर लॉ हमारे ऊपर पहले साल से लगा दिया जाए तो ये हमारे लिए हार्डशिप हो जाएगी मतलब हमारा स्टॉक बन के रेडी हुआ है और आप यू नो आर ई आर के बेसिस पे इसको टैक्स करना चालू कर दोगे दिस विल हार्म आर बिजनेस एज वेल आप हमें एटलीस्ट कुछ ईयर्स दीजिए जिसमें हम ट्राई करें कि हमारा पूरा स्टॉक क्लियर हो जाए सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस, तब जा करके लॉ चेंज किया गया और कहा गया कि अगर आपके लिए क्या है बेटा प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है पहले दो साल जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है उसके बाद पहले दो साल तक के आप इसका जीएवी निल क्लेम कर सकते हो पहले दो साल तक के आप इसका क्या क्लेम कर सकते हो जीएवी निल क्लेम कर सकते हो तो सपोज इफ द प्रॉपर्टी इज अ लेट प्रॉपर्टी मतलब उसको ऑब्जेक्टिव लेटआउट करना है राइट और ये वेकेंट रहती है साल भर पहले दो साल आप इसका जीएवी क्या क्लेम कर सकते हो नील बाकी के केस में फिर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी डीएलओपी मतलब दो साल बाद इन द थर्ड ईयर द प्रॉपर्टी विल बी डीएलओपी डीएलओपी रहेगी मतलब ए आर आर तो आएगा नहीं तो क्या मैं कह सकता हूं आरईआर ही जीएवी मान करके टैक्स कर दिया जाएगा यस सो लेट आउट प्रॉपर्टी किप्ट वेकेंट फॉर होल ईयर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट है उसको किराए से ही देना है यस yes. उस होल ईयर के लिए वेकेंट रहती है उसका जीएवी क्या क्लेम होगा नील हालांकि म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा मतलब एनएवी भी निगेटिव रहेगा अब एनएवी निगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अब बता प्रॉपर्टी ही लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिमिटेड या अनलिमिटेड लिमिटेड या अनलिमिटेड यस अनलिमिटेड तो इस केस में भी क्या आने वाला है बेटा लॉस ही आने वाला है यस yes. इधर देखिए यहां लिखा है वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड अपल्टर डेयर टू इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड यस एंड प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड अप टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑप्टेंड शैल बी टेकन टू बी निल पहले दो साल तक के इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या लिया जाएगा बोलो बेटा नील लिया जाएगा बाद में इस प्रॉपर्टी पर डी एल ओ पी बोल के टैक्स लिया जा सकता है आज तक पूरे सी एस सी एस सी एम ए के इतिहास में इस कॉन्सेप्ट को नहीं पूछा गया है और शायद ही का भी पूछा जाएगा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है बिल्डर रिलेटेड है यस चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं

अब अगर सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है अब है तो प्रॉपर्टी एक ही सोच करके देखिएगा एज अ ओनर मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाहूंगा साल भर सेल्फ फॉर पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और प्रॉपर्टी तो एक ही है तो एज अ ओनर तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा इसको एसओपी ट्रीट करना चाहूंगा लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलेगा मैं तेरे को एसओपी का बेनिफिट दूंगा नहीं क्योंकि एसओपी का बेनिफिट तभी दिया जाता है जब प्रॉपर्टी से कोई रेंट आया नहीं मतलब रेंट आया है तो एसओपी का बेनिफिट तो नहीं होगा अब सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर यहां पे ऐसा नहीं है पोर्शन है वही प्रॉपर्टी में आप रह रहे थे और वही प्रॉपर्टी आपने क्या की है किराए द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर है तो कैलकुलेशन कैसे होगा लॉ कहता है इसे डीम्ड लेट आउट फॉर होल ईयर माना जाए इसे भी क्या माना जाए डीम्ड लेट आउट फॉर होल ईयर इसे भी डीएलओ पे ट्रीट किया जाए सर ऐसा क्यों सोचिए इसको ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था क्योंकि

income shall be calculated for the whole year as as bolo deemed let out property income shall be calculated for whole year as deemed let out property <clears> then <throat> सर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी का होता है लेट आउट प्रॉपर्टी का आर आर एवर इज हायर जो भी रहेगा वो म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा एनएवी आएगा एनएवी आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आएगा बताइए डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट लिमिटेड या अनलिमिटेड अनलिमिटेड बिल्कुल अनलिमिटेड अलाउड रहेगा और आपका एचपी आएगा इन शॉर्ट कैलकुलेशन बस लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसा रहेगा बस आर एआर विच एवर इज हायर तो इसमें एस सच कोई नया चेंज आपको देखने को मिलता नहीं यस आते हैं प्रॉपर्टी के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉपर्टी विथ वेकेंसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन एचपी में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है प्रॉपर्टी विथ वेकेंसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है ठीक है ध्यान से सुनिए अगर आपके प्रॉपर्टी में वेकेंसी भी है क्या है बेटा वेकेंसी भी है मतलब आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है राइट अचानक से टेनेंट ने बीच में छोड़ दिया या आपने छुड़ा दिया क्योंकि रेंट ही नहीं मिल रहा था व्हाट्स एवर इज द रीजन अब प्रॉपर्टी में वेकेंसी है यहां पे आपका जीएवी कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है वापस सुनिए मैं यहां स्लो हो रहा हूं वापस यहां आपका जीएवी कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है जीएवी कैलकुलेट करने का तरीका कैसे बदल जाता है स्टेप नंबर वन आप आर ई आर जैसे निकालते हैं साल भर के लिए वैसे ही निकालिए स्टेप नंबर वन आप आर ई आर जैसे निकालते हैं साल भर के लिए कैसे निकालिए वैसे ही निकालिए सो स्टेप नंबर वन देर विल बी आर ई आर पूरे बारह महीने के लिए आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है ठीक है दूसरा स्टेप आप ए आर आर निकालिए आप क्या निकालिए आर आर एक्सक्लूडिंग जैसे बारह महीने के लिए निकालते हैं, बिल्कुल वैसे निकालिए कहीं कोई चेंज नहीं है ठीक है मालिक यहां तक के तो बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है जो हम सदियों से करते आए हैं आपको कितना रेंट रिसीव हुआ है वो मतलब आर बारह महीने के लिए निकला ए आर आर बारह महीने के लिए निकला ए आर जो निकलेगा ये सपोज अगर आठ महीने की किराए पे थी तो वो आठ महीने के लिए निकलेगा बराबर है ध्यान से सुनिए स्टेप नंबर वन वापस बोलो कितने महीने के लिए कितने महीने के लिए ट्वेल्व मंथ्स के लिए दूसरा ए आर आर ए आर आर तीसरा एर एक्चुअल आउट पीरियड के लिए अब जरा ध्यान से सुनना इफ ए आर इज हायर देन आर ई आर अब आपको स्टेप थ्री को स्टेप वन के साथ कंपेयर करना है अगर आपका ए आर 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 से बड़ा है प्लीज इस पॉइंट पे आपका अगर जरा सा भी ध्यान इधर उधर होगा मन इधर उधर होगा अशांत होगा चित्त तो सही जगह पे नहीं होगा उसको प्लीज कामना एक जगह पे लेके आए वापस ये कितना है कंपेयर करना क्या किससे कंपेयर करना ए आर 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 से कंपेयर करना अगर ए आर दट इज स्टेप थ्री इज हायर देन आर आर स्टेप वन ए आर इज इक्वल टू जी अगर आपका ए आर आर से बड़ा है मतलब वेकेंसी होने के बावजूद भी आपका रेंट आर से बड़ा है वेकेंसी होने के बावजूद भी आपका रेंट आर आर से बड़ा है ए आर विल बी जी समझ में आ रही है बात नहीं बहुत लोगों का ध्यान नहीं है आई कैन क्लियरली रीड द फेस वापस मेरे साथ सुनो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री ए आर इज हायर देन आर स्टेप थ्री इज हायर देन स्टेप स्टेप थ्री इज इक्वल टू जी ए समझ में आई बात अगर आर ए आर से बड़ा है रेयर सिचुएशन नहीं रेगुलर सिचुएशन वैकेंसी के केस में ये रेगुलर है ये रेयर सिचुएशन है समझ में आई बात अगर आर आर एर से बड़ा है क्योंकि तो आपका साल भर का निकल रहा है मेरे दोस्त यस अगर आपका से बड़ा है तो आपको सोचना होगा इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी और बिकॉज ऑफ अदर रीजन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी और फॉर अदर रीजन अगर यहां पे सिर्फ वेकेंसी के कारण आर आर एआर से बड़ा है तो ए आर इज इक्वल टू जीएवी अदरवाइज आर आर माइनस लॉस ड्यू टू वेन्सी इज इक्वल टू जीएवी अब यहां पर यहां डिस्प्यूट भी है कई केसेस में सुनिए इफ आर इज हायर देन एर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी तो ऐसे केस में क्या किया गया है आपके कई जगह पे कई ऑर्थर सीधा आर आर को ही जीएवी ले, ले लेते विदाउट रिड्यूसिंग लॉस ड्यू टू वेकेंसी बट कई ऑथर्स इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट्स के बुक्स लिखे हुए हैं उनके जजमेंट्स लिखे हुए हैं यस वो कहते हैं आरियर टू बी रिड्यूस बाई लॉस टू वेकेंसी सर देखो किसने क्या क्या तिल लगाने गया मेरे को करना क्या है ये बताओ बराबर ना मेरे कोई लेन देन नहीं सुप्रीम कोर्ट का मेरे को ये बताओ कि मेरे को क्या करना है बींग अ स्टूडेंट आपने क्या करना है आर आर माइनस लॉस टू वेकेंसी करना है और नीचे अल्टरनेटिव नोट लिख देना है जैसे अल्टरनेटिव नोट आप कई के लिए भी लिखने वाले हो अनरियलाइज रेंट के लिए भी लिखने वाले हो सेम इसके लिए भी आप क्या करोगे नोट लिखोगे यस yes? तो चलिए वापस से स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री अगर एआर आर से बड़ा है ए इज इक्वल टू जी ए वी से बड़ा है तो आप ये सोचो इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी नॉट बिकॉज ऑफ वेकेंसी

माइनस वैकेंसी इज इक्वल टू जीएवी अलॉन्ग विथ नोट वट एवर इट इज ठीक है चलिए एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है रजिस्टर में जाओ रजिस्टर में जाके लिखो लेट आउट प्रॉपर्टी विथ वेकेंसी एग्जाम्पल नंबर 5.1. Example number 5.1. Hmm. Municipal value 6 lakh. Standard rent 5 lakh. Actual rent per month 2 lakh. Vacancy 3 months. What is GAV? भाई इतने सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो का मज़ा ले रहे हैं अब तक आपने लाइक नहीं किया मैं देख सकता हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ करें मैं जानता हूँ ये बहुत ही बड़ा आ, सही वर्ड मिलने दो बेवकूफ़ी है मेरा मार्केटिंग टीम करने बोलता है मेरे को कोई शौक नहीं है सब करने का बट आप लोग भी ना लायक हो रोज़ रोज़ ये बोलना क्यों पड़ रहा है लाइक करने खत्म कर देने का जो चीज फ्री है उसको बांटने में क्या तकलीफ है प्यार बांटते ही हो ना चलो बोलो बेटा क्या चलो स्टेप नंबर करो मेरे साथ स्टेप नंबर आर आर आपको अगर बुरा ना लगे तो आर आर पांच लाख कैलकुलेट कर लो जल्दी सुनो yes no? पक्की बात मालिक स्टेप टू ए आर आर अगर वैकेंसी ना होती इट वुड हैव बीन 24 लैक्स 2 लैक्स इन ट्वेल्व अगर वैकेंसी ना होती तो ए आर आर वु ट्वेंटी फोर स्टेप थ्री ए आर टू लैक्स इन टू नाइन मंथस एटीन लैक्स नाउ प्लीज टेल मी इज माई ए आर इज हायर देन आर ई आर if ar is higher than RER, what is gav is it equal to 18 lakhs do you agree my friends yes dan malik chaliye एग्जाम्पल नंबर फाइव पॉइंट टू म्युनिसपल वैल्यू वन लैख एक्चुअल रेंट टेन थाउजेंड पर मंथ वेकेंसी फोर मंथ्स वॉट इज जी ए वी ट्राई करो एक एक स्टेप निकालो आराम से आएगा गलती होगी चलेगा पर एक एक स्टेप सॉल्व करो एक बच्चे का जवाब आ चुका है एटी थाउजेंड आपका क्या जवाब है जल्दी बताइए एक ही क्या बोलो जल्दी से एटी डन पक्का एटी थाउजेंड चेक करते हैं आर आर कितना आया मेरा बच्चा वन लैख जब भी कुछ और दिया हुआ नहीं हो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी केम ई ए आर आर अगर वैकेंसी ना होती तो 1.20 पॉइंट ट्वेंटी लैक्स वुड हैव बीन आंसर हैव यस और नो यस ए आर इज इक्वल टू एटी थाउजेंड नाउ यू टेल मी इज माय आर ई ग्रेटर देन ए आर ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी अगर वेकेंसी ना होती अगर वेकेंसी ना होती वी वु सिलेक्टेड ट्वेंटी अब वेकेंसी होने के कारण ही हमारा क्या आ रहा है ए आर इज लेस देन आर ऐसे केस में ए आर को ही हम क्या मान लेते हैं बेटा जीएवी इज इक्वल टू एटी थाउजेंड बहुत शानदार बन जा बच्चा समझ मतलब अभी में आया मतलब अब इस प्रॉब्लम में देखो आप इस प्रॉब्लम में आपको फिगर्स के थ्रू यह आइडेंटिफाई हुआ कि यू नो दिस इज गोइंग ऑन आर यू गेटिंग पॉइंट आपको प्रॉब्लम में लिख करके नहीं दिया गया आपको से ही चेक करना पड़ेगा कि यह किस रीजन के वजह से हो रहा है अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने अगर वैकेंसी ना होती तो वी वुड हैल लॉ यस और नो सिर्फ वैकेंसी होने के कारण हमको क्या करना पड़ रहा है एटी थाउजेंड सेलेक्ट करना पड़ रहा है गेटिंग माई पॉइंट यस एग्जाम्पल नंबर फाइव पॉइंट थ्री सुनो मुंसिपल वैल्यू फोर लैख एक्चुअल रेंट ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ वेकेंसी थ्री मंथ्स व्हाट इज जीएवी एक जवाब आ रहा है वन लाख एट थाउजेंड बोलो बेटा व्हाट इज माई आर ई आर इज इट फोर लैख ए आर आर वन पॉइंट फोर फोर लैख यस वॉट इज माई ए आर वन पॉइंट जीरो एट लैख डू यू अग्री नाउ यू टेल मी इज आर ई आर ग्रेटर देन ए आर ज रीजन वेकेंसी इज रीजन वेकेंसी स्टॉप कैसे आइडेंटिफाई करें सोच के देखो मेरे बच्चे नई में होती वु सिलेक्टेड अगर वेकेंसी नई में होती तो भी तुम सिलेक्ट तो आ रही आ रही कर रहे थे सी पहले वाले प्रॉब्लम और इस वाले प्रॉब्लम में मेजर डिफरेंस समझ पहले वाले प्रॉब्लम में अगर वैकेंसी ना होती हम ए आर आर सिलेक्ट कर सकते थे दूसरे वाले प्रॉब्लम में देख, तेरा आरी आरी इतना बड़ा है कि तू ऊपर में में वाले में देख, अगर वैकेंसी ना होती तो ए आर आर सिलेक्ट करने का चांस था इस वाले प्रॉब्लम में तू एआर सिलेक्ट ही नहीं करता था क्योंकि तेरा आर आर ही बड़ा था बराबर है अब ये जो रिड्यूस हुआ है इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देर आर अदर रीजन वॉट इज अदर आर आर वॉज ऑलवेज हायर वॉट इज द अदर रीजन आर वॉज ऑलवेज हायर तो यू वुल नॉट सिलेक्ट वॉट बेटा ए आर एस जी अब आप क्या करोगे ऐसे केस में नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी तो ऐसे केस में बोलो भाई आप जी ए वी क्या मान लो गे आरईआर -E और अल्टरनेटिव सोल्यूशन आर ई आर माइनस लॉस डू टू वेकेंसी सर अल्टरनेटिव सोल्यूशन लिखना जरूरी है यस और इनकम टैक्स में बहुत जगह है मतलब आप सैलरी में देखोगे तो गिफ्ट में वो पांच हजार वाले लॉ में भी सेम है फूड कूपन वाले में भी है ये बहुत जगह है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस सो हमें एक बस लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है और कुछ नहीं करना समझ में आया मैं एक मिनट का चांस देता हूं प्लीज तीनों प्रॉब्लम पहले कॉन्सेप्ट को वापस देखो और प्लीज तीनों प्रॉब्लम को आराम से शांति से वापस देखो रश्म मत जाओ डन हो गया बेटा अच्छे से शांति से क्लियर है सभी को पक्का चलो शानदार इट्स टाइम हम क्वेश्चन एयर को उठाएं मैंने आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करने बोले थे किया आप लोगों ने ठीक है अगर आप देखेंगे क्वेश्चन एयर में पहले स्टार्ट होता है आपका ये थ्योरी क्वेश्चन राइट जिसको आप सेल्फ में भी कर सकते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है होमवर्क तुमने एक्चुअली सॉल्व किया था क्या एक्चुअली सॉल्व किया मैच कर गया आंसर मैच कर गया आंसर पक्का वॉज द क्वेश्चन नंबर एट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए रीड द क्वेश्चन एक्स इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हिज हिज प्रॉपर्टी

क्या रहा है कितना आ रहा है बेटा आ रहा है आ रहे? आंसर सिक्सटी एट कैसे आया आर में से क्यों माइनस होगी कुछ अलग बोल रही है दीदी आरियर कैसे ज्यादा आरियर कितना है आपका आपका आरईआर कितना है आपका ए आरई आर तो एटी टू थाउजेंड है आपका ए आर आर कितना है और आपका ए आर कितना है यस और नो यस अब क्या रूल लगाया आपने

आर नीचे लिखो अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये देखो इसी के नीचे लिख दो यहां पे अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली आर ई आर इज इक्वल टू जी डन मेरा बच्चा चलो जी हम्म एक और क्वेश्चन रजिस्टर में चॉल कर लो क्वेश्चन नंबर एटीन ये अज्यूम कर लो ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी आप सिर्फ पहला वाला ही निकालो इसका दूसरा वाला पार्ट मत निकालना सॉल्व करो बुक में क्या रहा है म्यूनिस्पल वैल्यू दिया है फेयर रेंट दिया है विच एवर इज हायर हालांकि क्या वो यूज रेसिडेंशियल पर्पज के लिए कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड डिडक्शन तक के सब कुछ नील इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना पे किया उसने टू लैक्स ,00 क्या पूरा टू लैक्स अलाउड इज डिडक्शन द लॉस विल बी टू लैक्स ये ऑनो अच्छा मैं एक पॉइंट बताता हूं ये मैं अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में आपको जरूर बताऊंगा हालांकि मैं हाईलाइट कर देता हूं अगर 115 ऑप्ट करता है अगर एस क्या करता है 115 इंडिविजुअल 115 एस ऑप्ट करता है तो जो सेल्फ ऑक्यूपेंसी का टू लाख रुपीज तक का बेनिफिट है ना वो उसको मिलता नहीं सो so, अगर एस 115 सी ऑप्ट करता है तो उसको ये जो टू लाख रुपीज तक का आईओबीसी का बेनिफिट है वो मिलता नहीं इसीलिए देखिए तुरंत नीचे का ऑप्शन अगर आप देखोगे ये भी नील और इंटरेस्ट कैपिटा नील यहां पे आप लिखिए इफ असेसी ऑप्ट्स ऑप्ट फॉर 115 बीएसी देन आईओबीसी फॉर एसओपी नॉट अलाउड आईओबीसी फॉर एसओपी नॉट अलाउड इज दैट डन बेटा चलिए मैं आप लोगों के सामने अपने ऑनरेबल इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ मेरे को मॉड्यूल से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेना है हिम्मत है क्या सॉल्व करने की तुम में ट्राई करोगे देखते अपना नॉलेज कहाँ तक के पहुँचा है तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ अपने ऑनरेबल इंस्टीट्यूट के द्वारा ही दिया गया है ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी पेश कर रहा हूँ मैं मतलब क्या है एटलीस्ट एक अश्योरेंस आ जाता है कि नहीं भाई चल अपने को समझ में आ रहा है जीवन में कुछ तो ये आपकी आंखों के सामने लाइव अपना मॉड्यूल ओपन कर लिया अपन ने यस yes, ये सी ए इंस्टीट्यूट का है मैंने आपको पहले ही बताया इनकम टैक्स रिमेन सेम फॉर सी ए सी एस सी ए में इनफैक्ट कोई आर्ट्स भी कर रहा है तो उनके लिए इनकम टैक्स सेम ही रहता है सो डोंट मेक दिस डिस्टिंक्शन इन योर माइंड इनकम टैक्स सबको समान ही देखता है हाँ मतलब ऐसा नहीं है साइंस वाले तो तुमसे कम ले लेंगे आर्ट्स वाले तो हमसे ज़्यादा लेंगे ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे ठीक है Uh, चलो ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्वेश्चन देखिए लिखो रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर टू ऑफ मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर टू ऑफ मॉड्यूल ठीक है क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से एक्स ओन वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई

स्टैंडर्ड रेंट मुंसिपल वैल्यू फेयर रेंट मुंसिपल टैक्स लाइट वोल्टेज चार्जेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लीज मनी इंश्योरेंस रिपेयर आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब समझिए कोई एक प्रॉपर्टी है उसके दो यूनिट है हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट्स एक प्रॉपर्टी के दो यूनिट है क्या मैं कह सकता हूं पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन लेट आउट प्लस वेकेंसी कंसेप्ट पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस लेट आउट प्लस वैकेंसी कंसेप्ट ठीक है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा पहले चीज क्या की जाए इसमें रिविजन डिविजन डिविजन का एक वर्किंग नोट बनाए क्या क्या डिवाइड करेंगे आप म्युनसिपल वैल्यू डिवाइड होगा फेयर रेंट डिवाइड होगा स्टैंडर्ड रेंट डिवाइड होगा म्युनसिपल टैक्स डिवाइड होगा आईओबीसी डिवाइड होगा यस और नो चलिए बनाइए वर्किंग नोट सारी डिटेल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर टू अब देखिए लिखना कैसे लिखो फॉर एक्स असेसमेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कंप्यूटेशन ऑफ एचपी फॉर एक्स असेसमेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कंप्यूटेशन ऑफ एचपी बराबर वर्किंग नोट नंबर वन डिवीज़न वर्किंग नोट नंबर वन डिवीजन अच्छा यहाँ रेशो तो लिखा ही नहीं है किस रेशो में डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे आप आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा वर्ड्स क्लियर है चलो बना लो आपके सामने सारी फिगर अवेलेबल है डिवाइड करो आज देख लें आपका नॉलेज आईसीआई के आंसर के साथ अब मैच करता है क्या मैंने आपके सामने लाइव ओपन कर दिया मेरे को खुद को भी नहीं मालूम क्या सिचुएशन है जो भी है मिल बांट के अपन दोनों देख लेंगे ठीक है स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपको म्यूंसिपल वैल्यू दिया है फेयर रेंट दिया है आपको जो जो लगता है दनादन डिवाइड करते रहो स्पीड लाओ जब माइंड क्लियर है हाथों को इंस्ट्रक्शन दो फटाफट सॉल्व करने का वेट मत करो कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू जो करना है तुमको करना है मैंने कुछ नहीं करना है सारी फिगर्स आपके सामने है मैं ये थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं ताकि नीचे के डिटेल्स भी दिख जाए स्टैंडर्ड ट्रेंड सबको पता चल गया ना नीचे करूं थोड़ा सा <coughs> <coughs> तो गया क्या बात कर रहे हो नहीं हुआ यार, बताओ आभरा गा गिली गिली छू नहीं हुआ अब तो आ जाओ यार ऐसा मत कर हाँ आ गया हाँ। चलो स्पीड 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 लाओ ये सारे फिगर्स तुमको मिल चुके हैं डिवाइड करो बहुत दम लगता है बेटा टीचर को भी अचानक से रैंडमली कोई तो भी दूसरी बुक में जाके कहीं का क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करवाने के लिए टीचर को भी बहुत दम लगता है मैं फाइनल में भी सेम चीज करता हूं मूड आ गया चलो एक काम करो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना अब चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन के सॉल्व कर देते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी बुक है वेकेंसी है बच्चे दो महीने का वेकेंसी ऑफ टू मंथ्स बनाओ अगर हर चीज का डिवीजन हो चुका है तो फिर फॉर्मेट भी तुमको पता है पर्टिकुलर्स, एसओपी एलओपी मत डरो ये डर ही है जो तुमको हर चीज करने से रोक रहा है ये डर ही है जो तुम्हारे फेलियर का कारण है ये डर ही है कि मैं गिर जाऊंगा तो क्या होता है ना रात में सोए सपने में अचानक कहीं चलते चलते तन्न से गिर जाते हैं और हम उठ उठते हैं होता है ना आपके साथ भी हम्म पर ये डर अगर हमारी नींद खराब कर दे तो क्या मतलब है सर जी डन करूँ क्या सॉल्व छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा नहीं क्या हो जाएगा छह महीने और प्रेस्टीज पॉइंट लाइब्रेरी नहीं क्या हो जाएगा वो फाइनल में तुम इधर ही ज्यादा से ज्यादा हो ही क्या जाएगा उसकी शादी हो जाएगी तुम चन्ना मेरी अगालोगे हाँ लड़कियों का फिक्स है मेहंदी तो मान सकती है उसकी शादी में मेहंदी मान लेना लड़कों गद्दियां गद्दियां-वद्दियां उठा लेना करो करो जल्दी करो जल्दी करो इतना टाइम लगाओगे तो बचा हुआ पेपर कैसे सॉल्व करोगे होन दो गलती मैं क्या बोल रहा हूं हो रही है तो होन दो कोई तकलीफ नहीं है कितना है आंसर ट्वेंटी एट जीरो जी तो हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए दोस्तों Hmm, 28025 एक जवाब आया है एक जवाब आया 28025 क्या सोचते हैं आप हमें लाइक करके कमेंट करके बताइए 28025 मेरा बच्चा किसी और का कोई जवाब है तो जल्दी बताओ सेम ट्वेंटी एट जीरो ट्वेंटी फाइव सेम निकाल निकाल डर मत क्वेश्चन दिखाऊं ये ले भाई सिर्फ तेरे लिए फिर तुझे ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से हाँ जी इधर जवाब आ गया है। किसका जवाब आया हेमंत का आ गया स्नेहा का आ गया श्रीवाह का आ गया कौन है और राहुल अक्षय इन दोनों का भी जवाब आ गया एंड आंसर इज पक्का लगता है दम है तुम में, लगता है आईसीआई सुने का तुम्हारी लगता है कि तुम अब आईसीआई को टक्कर दे सकते हो एग्जाम में ओ ओ ओ ओ, ओ।, 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 ओ। चलो छोड़ो दूसरा क्वेश्चन करते हैं मैं क्या बोल रहा हूं <laughs> अच्छा ये दिखाओ क्या? अरे को डर लगता है ऐसा नहीं पढ़ अगर गलत आ गया तो चलेगा अच्छा ये नहीं क्या और नीचे आ रहा है आ रहा है थर्टी सेवन जीरो ट्वेंटी फाइव नहीं Final आंसर इज 28025 ठीक लग रहा है मजा आ रहा है हो गया कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे किसी भी टीचर का कोई भी बुक कुछ फर्क नहीं पड़ता यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या मालिक अरे आ हो अरे सुनो। हो yes. यस ईमानदारी से बताओ खुशी हुई नहीं हुई हुई ना क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ मॉड्यूल करो सॉल्व क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ मॉड्यूल करो सॉल्व जूम करो बस चलो चलो योर टाइम स्टार्ट नाउस हाउस डिटेल्स आर गिवन फाइनेंशियल ईयर में वन थर्ड पोर्शन इज लेट आउट रिमेनिंग टू थर्ड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड अगेन द क्वेश्चन ऑफ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन लेट आउट समझ रहे हो इंस्टीट्यूट भी कितना फोकस कर रही है कॉन्सेप्ट पे एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज गिवन, डोंट यू थिंक सो थिंक सो, करो रुको मत गलती होगी चलेगा तो मैं गिरता हुआ देखना ज्यादा पसंद करूंगा हारते हुए देखने से बुआ साउंड सो गुड मम्मा सोच लो क्या करना है चलो जल्दी 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 प्रैक्टिस मोर शर्म करते सवाल आप चुप रहो बस <laughs> मैं बोल दू ये ज्यादा बेटर है ना दुनिया बोले उससे बस कर बेटा कर सही जा रहा है याद रखना बेटा उस हर घर में मिठाई जानी चाहिए थी जिसने कहा था तुमसे ना होगा करूँ क्या नहीं, नहीं, नहीं। करो 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 प्रॉब्लम को देखो अच्छे से सॉल्व करो डोंट वरी भाई जी सॉल्व कर रहा हूं मैं भाई जी सॉल्व कर रहा हूं, एक जवाब आ चुका है भैया टू जीरो नाइन थ्री सिक्स क्या आपका भी जवाब यही है वैसे मैं आपको बता दू छह मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जब से प्रॉब्लम दिया है आंसर आ रहा है चलो करते हैं किसी का आंसर आया क्या आया बोलो टू जीरो नाइन थ्री सिक्स ये जवाब आ रहा है टू यस। लेट्स चेक लेट्स चेक विकास के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तीनों डिटेल्स दी हुई है वन थर्ड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर इज लेट आउट ठीक है बेटा मेरे को फिगर्स के साथ हेल्प करिएगा आप बता प्रॉब्लम नंबर थ्री सबसे पहले डिवीजन बनेगा एसओपी और एलओपी एसओपी पी एस टू थर्ड है एलओपी ओ पी वन थर्ड है एवरीबॉडी यस सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू कितना था एक मिनट कैलकुलेटर देना बेटा हाँ जी तो म्यूनिपल वैल्यू 96,000 सिक्स थाउजेंड था राइट तो यहां पे आ गया थर्टी टू थाउजेंड ये पे आ गया सिक्सटी फोर थाउजेंड फेयर रेंट कितना था वन लैख वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड यहां आ गया फोर्टी टू थाउजेंड यहां आ गया एटी फोर थाउजेंड स्टैंडर्ड रेंट कितना था वन लैक एट थाउजेंड यहाँ आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड यहाँ आ गया सेवेंटी टू थाउजेंड आर ई आर की बात करूँ तो यहाँ आएगा नील अरे एवरीबडी यहाँ आएगा नील और यहाँ आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट बताइए एक्चुअल रेंट कितना आया सिक्सटी थाउजेंड कितना पर मंथ फाइव थाउजेंड पर मंथ इज द रेंट यस नो फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व इज देर एनी वेकेंसी नो सो सिक्सटी थाउजेंड इन हियर म्यूनिपल टैक्स दिया है क्या प्रॉब्लम में म्यूनिशिपल टैक्स कितना है इलेवन परसेंट यस? इलेवन परसेंट इज इट थ्री फाइव टू जीरो इज इट सेवन जीरो फोर जीरो क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी दिया है प्रॉब्लम में क्या इसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी हाँ या ना चलो वर्किंग नोट बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर वन बराबर है व्हाट इज डेट ऑफ बोरोइंग 2015 व्हाट इज डेट ऑफ कंप्लीशन थर्टी वन थ्री टू थर्टी वन फाइव टू थाउजेंड एटीन वॉट इज डेट ऑफ रीपेमेंट इधर आइए द विकास took a लोन ऑफ वन लैख रुपीज ऑन वन सेवन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑन थर्टी वन फाइव टू थाउजेंड एटीन ठीक है सर ट्वेल्व परसेंट से लोन लिया गया है ओके सर लोन रीपेमेंट के बारे में अभी भी कुछ दिया हुआ नहीं है यानी लोन रीपेमेंट कहीं ना कहीं डिलेड है ठीक है सो so, क्या मैं बोल सकता हूँ हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो गया एक सात दो हजार पंद्रह से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन एवरीबॉडी यस यानि बताइए वन लाख रुपीज़ का लोन इंटू ट्वेल्व परसेंट इन कितने मंथ्स हो रहे हैं जरा चेक करना नाइन मंथ्स थर्टी थ्री मंथ्स होंगे ना कैसी बातें कर रही हैं आप क्या मैं थर्टी थ्री बाय ट्वेल्व कर दू तो भी आंसर आ जाएगा yes. इसको अलग अलग निकालू तो भी आंसर आ जाएगा आप इसको ऐसा भी देख सकते हो दो हजार पंद्रह सोलह के कितने मंथ्स आंसर एक ही आएगा दोनों का देखना दो हजार पंद्रह सोलह के कितने मंथ्स जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च क्या नाइन मंथ्स हुए वन लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू नाइन ट्वेल्व यस सोलह सत्रह के पूरे वन लैख इंटू ट्वेल्व परसेंट अरे एवरीबडी सत्रह अठारह के वन लैक इंटू ट्वेल्व परसेंट करेक्ट आप ऐसा करके निकालो या ऐसा करके निकालो आंसर आना एक ही है कितना हो रहा है इज इट थर्टी थ्री थाउजेंड यस अब मुझे बताओ क्या मेरा थर्टी थ्री थाउजेंड का वन फिफ्थ लेना पड़ेगा मेरे को कितना आएगा वो 6600 अच्छा क्या पोस्ट कंस्ट्रक्शन अच्छा एक बात बताओ 2018 मतलब पाँच साल में कंप्लीट होना चाहिए था 2019 2020 2021 2022 हज़ार बीस यस क्या अभी भी हमारे को प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा यस क्या पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी मिलेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए कितना होगा बेटा वो वन लैक इन टू ट्वेल्व परसेंट इज इट ट्वेल्व थाउजेंड टोटल कितना होगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इस एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को हमें टू थर्ड और वन थर्ड में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ये तो टोटल बना, इसको कि नहीं करना पड़ेगा बोलो एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज इट सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एवरीबाड अरे यस देख लीजिए सर कहा गया सो so, ये बना ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड ये बना सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड डन है मालिक चलो आओ इधर देखो ये आया एसओपी ये आया एलओपी सबसे पहले आएगा बेटा जीएवी जीएवी में से म्युनिपल टैक्स एक्चुअली पेड फिर आएगा एनएवी फिर आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट फिर आएगा आईओ बी सी मैंने शॉर्टकट में लिखा है अपने फुल फॉर्म में लिखना है इधर शॉर्टकट अलाउड नहीं है यहाँ से यहाँ तक के सब नीलो जाना है जीवन में ये भी नीलो जाना है यहाँ ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड डू यू अग्री बराबर यहाँ लेट आउट प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आर ई आर ए आर आर विच एवर इज हायर बोल के जी ए वी सिक्सटी थाउजेंड मुंसिपल टैक्सेज थ्री फाइव टू जीरो तो माइनस थ्री फाइव टू जीरो कितना है बेटा फिफ्टी सिक्स फोर एट्टी फिफ्टी सिक्स फोर एट्टी का थर्टी परसेंट वन सिक्स नाइन फोर फोर और यहाँ सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड 336 थर्टी थ्री थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी सिक्स यहाँ ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड का लॉस या यहाँ पे नेट इनकम मिल जाएगा टू जीरो नाइन थ्री सिक्स एवरीबॉडी दिस शुड बी द आंसर अगर ये आंसर आईसीआई के साथ मैच कर देता तो हमारा जीवन में पोर्शन और वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब अगर ये मैच कर जाता है तो हाँ चलिए ये क्वेश्चन था देख लिया तुम लोगों ने चलो देख लिया है तो फाइनल आंसर इज और कितने अच्छे दिन लाओ बोला किसी और ने था कि अच्छे दिन आएंगे ला मै रहा हूं मजा आ रहा है कोई भी देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे क्वेश्चन से उठाना है मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है आपको कंसेप्ट तक ले के लेके जाना फिर आप धरती के कोई भी टैक्स टीचर का कोई भी बुक उठाओ आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सीए प्रीफिक्स प्रिफिक्स नहीं आ और नो यस चलो मेरे लिए काम करोगे मेरे लिए काम करोगे क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ मॉड्यूल को सॉल्व करना रजिस्टर में अभी नहीं करना है आज घर पे करना है लिखो एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है ठीक है और करना ईमानदारी से ओ... डन हो गया बेटा हम्म ये एक प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व ये प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व मोर देन टू हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पे बेस्ड है यस yes, ये भी आपको सॉल्व करना है तो आज का ये दूसरा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ क्वेश्चन एयर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ क्वेश्चन एयर ये दो क्वेश्चन अगर आपने एडिशनली सॉल्व किए तो एचपी के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे मैंने आपको जो प्रॉब्लम लिए दो मॉड्यूल के लिए उसमें देखो एक वैकेंसी वाला लिया एक पोर्शन वाला लिया दो अपन ने वेकेंसी विथ लॉस ड्यू टू वेन्सीड वाला कॉन्सेप्ट लिया ये दो प्रॉब्लम अगर आज आप घर पे जाके सॉल्व कर लिए तो आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एचपी का कवर हो गया और एग्जाम से पहले बस ये पांच क्वेश्चन जो मैंने आज अभी आपको कराए अभी तीन एक क्वेश्चन से और दो मॉड्यूल से और ये जो दो मैंने आपको लिख करके दिए अगर ये पांच क्वेश्चन आपने एचपी में कर लिए इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करके जाने की आपको जरूरत नहीं है मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें सब कॉन्सेप्ट कवर हो गए एचपी तो में लॉजिकली आपको कोई पचास क्वेश्चन सत्तर क्वेश्चन नब्बे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पांच क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए समझ में आ रही बात मैक्म सारे कॉन्सेप्ट में कवर हो गए यो 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 यस yes? चलो जी माल को आ, इसके अलावा एक और एक और एक और अभी इतने दूर आई हो तो इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो एक चिप्स का पैकेट और ले लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ये मेरा बच्चा तू तब सॉल्व करेगा जब तू टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम पे होगा तो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो है ये भी तेरे को सॉल्व करना है मैंने इसको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तेरे को सॉल्व करना है ये नवंबर टू का क्वेश्चन है ये नवंबर टू का क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को तू उठाएगा जब जब तेरा टोटल इनकम वाला पार्ट रहेगा समझ में आ रही है बात यस चलो मैं अपने इस पे वापस से लौट रहा हूं

अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर रिकवरी ऑफ रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट रिकवरी ऑफ रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं क्या है concept? Concept बड़ा है देख रेंट जब होता है उसको या तो जीएवी में से माइनस करता है या तो एआरआर में से माइनस करता मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या बोला मैंने वापस सुनना नहीं वापस सुन रहा हूं मैं जब भी तेरा रेंट आता है या तो तू उसको जीएवी में से माइनस करता है या तो तू तो उसको एआरआर में से माइनस करता है डू यू अग्री Yes. अब यही अगर unrealized rent कभी recover हुआ तो क्या जब अनरियलाइज हुआ डेप्स हुआ तो बेड तो माइनस कर दिया अब अगर डेप्स रिकवर हुआ तो क्या इसको वहां जाता है अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड क्या बोल रहे बेटा हम अनियलाइज रेंट रिकवर्ड यस तो बात उन दिनों की है बात किन दिनों की है उन दिनों की है जरा ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट को थोड़े मजे से समझाता नहीं तो बोर हो जाओगे थोड़ा सा ठीक है तो बात उन दिनों की है जब एक थे आपके विज्जू सर ठीक है विज्जू सर ने अपना फ्लैट किसको दे दिया राइट right? डीके को दे दिया वो जो करें अपने क्या ठीक है अब एक दिन ये आदमी को सोचा कि मेडिटेशन करना है दो महीना का किराया बचा था आदमी निकल गया हिमालय नहीं इधर रह गया अकेले बोले भाई मेरे को मेडिटेशन करना है एक दिन भगवान है डीके के सामने काफी फैला हुआ बिजनेस है भगवान ने बोला वाह <laughs> भगवान, भगवान कितनी तपस्या कर रहे हो क्या चाहिए बच्चा <laughs> दर्शन सर भगवान निर्वाण दे दो बस अब बस खत्म हुआ ये जीवन निर्वाण दे दो भगवान ने बोला देख मैं तेको तो निर्वाण दे दू मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तूने एक सभ्य सीधे सुशील दिल से साफ आदमी का रेंट नहीं दिया है इतना बोझ लेके किधर जाएगा मैं तुझे निर्माण दूंगा जाके जा पहले उसका पैसा लौटा किया दर्शन सर आए दर्शन सर ने कहा ये भाई मुझे वी लर्न मिल गया है मतलब नई सीख मिल गई है राइट अब हम एक है, एक <laughs> अब, अब हम एक है। ये बताइए दो साल बाद दो साल बाद हमें क्या मिला रेंट रिकवर्ड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा पहला सवाल दूसरा होता है एक और कॉन्सेप्ट होता है अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है बेटा अरियर्स ऑफ रेंट इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझाता हूँ अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ध्यान से सुनना तो एक थे भैया मुन्ना भैया नहीं गुड्डू भैया कौन थे गुड्डू पंडित है ना वो देखा है कि नहीं देखा मिर्ज़ापुर अगर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ नहीं देखी है कोई बात नहीं बेटा आस्था पोगो डिज्नी कार्टून डिज्नी हॉट स्टार छोटा भीम सब आपके लिए है तो एक थे गुड्डू पंडित गुड्डू पंडित अपने भाई के साथ रहते थे और अपनी मम्मी के साथ रहते थे ठीक है इस घर में रहते थे ये घर था एक किराना दुकान वाले का बराबर है सीरीज आपने देखी होंगी तो मैं बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ध्यान से तो सुनना कौनसेप्ट मस्ती मस्ती में खत्म भी हो जाएगा तो हुआ ये हुआ ये कि ये कई सालों से रह रहे थे और पाँच हजार रुपए ही मात्र किराया दिया करते थे एक दिन इस किराने वाले को लोगों ने भड़काया कि यार ये तो पाँच हजार रुपये ही दे रहे जबकि यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट दस हजार हो चुका है और तुमसे से हजार लिए बैठे हो क्या कर रहे हो ऐसा तो तुम्हें लोग बेच खाएंगे ये भड़क गया गुड्डू की मम्मी थी पंडितायन कौन गुड्डू भैया की मम्मी थी कौन पंडितायन पंडितायन एक दिन कुछ लेने के लिए आई पंडितायन को बोलता है या तो आप हमारा किराया दस हजार रुपए कर दो नहीं तो हमारे घर से निकल जाओ आपको बता रहे बता देना अपने बच्चों को भड़क गया पंडितायन अपने बच्चों के पास गए गुड्डू भैया को बताया किसको गुड्डू भैया गुड्डू भैया ये बोल रहा है रेंट बढ़ाने का गुड्डू भैया बुलेट लेके आए क्या लेके बुलेट गुड्डू भैया खड़े हो गए <laughs> क्या बोले तुम तो मेरी को ऐसे डराओ मत ये जो प्रॉपर्टी है इसका रेंट दस देना है और दस हजार रुपए नहीं दे सकते तो तुम खाली करोगे कान मारेंगे साले तेरे पता नहीं चलेगा तेरे को अब हमें ना वो गुड्डू नहीं रहे जो पिलपिलाया करते थे नहीं देंगे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम तुम डरा नहीं सकते मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा जाओ <laughs> करो जाओ जो करना है करो मैटर कोर्ट में जाता है कोर्ट में गुड्डू भैया खड़े हैं जज गुड्डू भैया खड़े हैं अपने समझा रहे हैं इसको दिखेगा नहीं है गुड्डू भैया कोर्ट है क्या कर रहे हो समझाओ इसे सब जानते हैं एरिया में दस हजार रुपए रेंट है पांच हजार ही दे रहे हैं इतने सालों से मैंने इससे पहले कुछ नहीं बोला लेकिन इस महीने से बढ़ा के दो तो मेरे को नहीं तो बोलो प्रॉपर्टी खाली करे <laughs> लिहाज कर रहे हैं लिहाज रिश्ते का बता दो इसको नहीं नहीं भी का बढ़ा के तो देना पड़ेगा एक काम करो पिछले सालों का नहीं छः महीने का पिछले बढ़ा करके दे दो और इसके आगे फिर वही रहेगा कोर्ट का डिसीजन देखिए कई बार क्या होता है रेंट को लेकर के डिस्प्यूट हो जाते हैं कि भैया ओनर बोलता है रेंट बढ़ाओ जबकि टेनेंट कहता है कि मैं इतने सालों से रह रहा हूं और बेसिक कई प्रॉपर्टी है अगर आप देखेंगे जयपुर अगर आप शहर जानते हैं जयपुर कई बच्चे जो ऑनलाइन जयपुर से भी कनेक्टेड है अगर आप देखेंगे जयपुर में जो महाराजा की प्रॉपर्टी थी वो कई सालों से एक रुपये दो रुपये पाँच रुपये पर चलती आ रही है अब ये अभी से नहीं पीढ़ियों से उनकी प्रॉपर्टी इस तरह से किराए पर चल रही है और वो आज भी है क्या आपको पता है भर एफ रोड पर जो मेन बिल्डिंग है उनका किराया आज भी ग्यारह ग्यारह रुपये बारह बारह रुपये ही है क्योंकि ये कई दशकों से ये प्रॉपर्टी रेंट पे गई हुई है टेनेंसी राइट्स अप्लाई हो गए सब अप्लाई हो गए अब ऐसे केस में कई बार क्या होता है जब डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट क्या करता है रेंट बढ़ा के मांगता है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड मतलब इट वॉज नॉट ड्यू इट वॉज नॉट ड्यू बट इट वॉज रिसीव्ड आउट ऑफ अ डिस्प्यूट अराइज फ्रॉम कोर्ट एंड इट इज अवॉइडेड बाय कोर्ट इट इज अवॉयडेड बाय होम कोर्ट तो इसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ रेंट अब ध्यान से सुनिए अनरियलाइज समझ में आया बेड डेप्स अरियर्स जो डिस्प्यूट के बाद अराइज हुआ वो रेंट

थर्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन दोनों का ट्रीटमेंट सेम चाहे आपको अन रेंट मिला हो चाहे आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिला हो जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल एंड थर्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन थर्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन तो रजिस्टर में जाइए रजिस्टर में लिखिए अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड अर ऑफ रेंट रिकवर्ड इज एंड रिकवर्ड अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड अन रियलाइज रैंड रिकवर्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड उसके नीचे एरो करके लिखिए उसी के नीचे एरो करके लिखिए इट इज टैक्सेबल इन द इीट इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट it is taxable in the year of receipt whether assessee is owner of that property or not whether assessee owner of that property or not ज द डन उसी के नीचे एक और आर कीजिए थर्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन थर्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन बेटा तो जितना मिला उतना टैक्सेबल आप अब उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो तो भी टैक्सेबल एंड फिफ्टी परसेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन वेट ए मूमेंट ट्राई कर रहा हूं अगर वो रहा तो मजा आ जाएगा मतलब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसके ऊपर लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अनियलाइज रेंट रिकवर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑफ क्वेश्चन पेज नंबर फोर पॉइंट टेन रीड द क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिर्फ रीड कीजिए और डिसाइड कीजिए कोना क्या चाहिए सोल्व हम रजिस्टर में करेंगे रीड द क्वेश्चन आनंद सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 22 मार्च 22 में ही बिक गया मतलब प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी के ओनर हम नहीं है इन जून 22 ही रिकवर्ड रिकवर्ड द रेंट ऑफ 10,000 थाउजेंड फ्रॉम गौरव टू ही हैज लेट आउट द प्रॉपर्टी टू ईयर्स फ्रॉम 2016 टू 2018 He could not realize two months' rent of 20,000 from him, and to that extent, actual rent was reduced. Further, he has let out the property from April 18 to February 22. Yes. To Mr. Satish. In April 2020, he has increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was subject matter of dispute. In September 22, the matter was finally settled and anand received 69000 as arrears of rent would the recovery of unrealized rent and arrears of rent taxable in the hands of anand and if so in which year बताइए क्या कहना चाहेंगे आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप बोलो 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 जल्दी मुझे पहला सवाल का जवाब बताइए इज अनियलाइज रेंट एन इज ऑफ रेंट टैक्सेबल बट यू आर नॉट द ओनर इन प्रीवियस ईयर विल इट बी स्टिल टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ईयर ऑफ रिसीट इज 22 ट्वेंटी टू ट्वेंटीबल टैक्सेबल कितना होगा नहीं नहीं माइनस थर्टी परसेंट दैट ओके पहले अमाउंट तो बताओ जिसमें से थर्टी परसेंट माइनस करना है इज इट यानी ये जो इतना बीच में कचरा और हिस्ट्री लिखी है कोई काम की इंस्टीट्यूट बुलाती है मगर जाने का यस आपके लिए लॉजिकली दो ही लाइन काम की है इस पूरे प्रॉब्लम में ही रिकवर्ड रेंट ऑफ टेन थाउजेंड एंड उसने ऑफ रिसीव किया यानी क्या मैं कह सकता हूं टोटल थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड में से थर्टी परसेंट माइनस कर देंगे वुड बी टैक्सेबल। रजिस्टर में जाओ पहले थ्योरी लिखो रजिस्टर में जाओ पहले थ्योरी लिखो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हर तरीके का कॉन्सेप्ट है पहले थ्योरी लिखो लिखोगे क्या पहले ये बताओ दिमाग लगाओ क्या लिखोगे क्वेश्चन किस कंसेप्टलाइज अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड तो आपका आंसर कैसे शुरू होना चाहिए दो बातें होंगी आपको सेक्शन नंबर याद है सेक्शन नंबर याद नहीं सेक्शन नंबर याद है तो एज पर सेक्शन नहीं याद है तो दी सीधे फिर पॉइंट पे ना देख अगर तुम्हें दस बातें करनी आती है तो आप दस बातें करो तुम्हें नहीं आती डायरेक्ट बोलो अरे <laughs> बात समझ तुझे आता है सेक्शन नंबर याद है तू जा प्यार से बात कर हाय तुझे बातें करनी आती है

तो दो बातें तुझे बातें करने आती है तुझे बातें करनी नहीं आती रिप्लेस तुझे सेक्शन नंबर याद है तुझे सेक्शन नंबर याद नहीं सेक्शन नंबर याद है लिख दे नहीं याद है सीधा पे आ नो बात ये ये पॉइंट है आगे बोल क्या <laughs> समझ में आ रही बात तो चलिए डिसाइड कर लीजिए आपको पता है या नहीं पता है ठीक है सर थोड़ा धुंधला धुंधला पता है आई लाइक यू एज अ फ्रेंड नहीं चलता <laughs> सीधी बात या तो बात कर Clear? Go. The unrealized rent recovered and arrears of rent recovered, the unrealized rent recovered or the arrears of rent recovered shall be taxable in the year of receipt. shall be taxable in the year of receipt yes however however 30% will be allowed as deduction will be allowed as deduction full stop the above adjustments will be made even if assessee is not the owner the above adjustments will be made even if assessee is not the owner क्लियर है मालिक अब पर्टिकुलर्स पर्टिकुल रियलाइज रेंट ऑफ रेंट बनाओ सेम कितना था अनियलाइज रेंट थाउजेंडर्स कितना था सिक्सटी नाइन थाउजेंड टोटल लेस डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा खत्म ले एक और कंसेप्ट पूरा हुआ आ जा बहुत जल्द हम एच पी ख़त्म करने के ऑप्शन में आ रहे हैं अगर आप देखोगे बेटा सुन सेक्शन एक बार रिकॉल करवाता हूँ सेक्शन ट्वेंटी टू व चार्जिंग सेक्शन एक मिनट एच पी में हमें बाईस से सत्ताईस तक के पढ़ना था बोलो हाँ सेक्शन ट्वेंटी टू इज चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 23 अलग अलग केस में एचपी कैसे निकलता है एसओपी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी एसओपी वो सारे सेक्शन 23 में कवर हो गए सेक्शन 24 डिडक्शन कवर करने की बात कर रहा है सेक्शन 25 फाइव अनियलाइजेंड ऑफ रेंट के एडजस्टमेंट सेक्शन 27 सेवन डीम्ड ओनर कंसेप्ट अब एक ही सेक्शन बताए सेक्शन ट्वेंटी सिक्स को ओनर आपका एचपी विल बी ओवर अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस यस yes, ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी राइट फास्ट ट्रैक में मैं कॉन्सेप्ट प्लस मेन कंपन सारे ले सकता हूं आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी के लिए आपको क्वेश्चन एयर दिया गया है कि आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करें सर और भी प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो बिल्कुल करो जीएसटी भी पढ़ो <laughs> है ना सिर्फ डी से काम नहीं होगा डी टी तुम सोच रहे हो सिक्सटी में से भी मैं फोर्टी ला लू थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ थोड़ा रियलिस्टिक हो जाओ ऐसा नहीं आ नहीं सकते बट बी रियलिस्टिक ना अपने ऊपर भरोसा रखो ना <laughs> बी रियलिस्टिक अपने ऊपर भरोसा रखो ऐसा मत करो ठीक है आज के पास अगर सी मैं आपको बता रहा हूं अपन जितने क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस मैं जो आपको मॉड्यूल या क्वेश्चन से करवा रहा हूं ये मोर देन है ये मोर देन सफिशियंट है हर को कवर करने के लिए डी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन क्लास में कराया वे क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में आया वर पॉसिबल डी टी का स्कोप इतना बड़ा यू कैन अंडरस्टैंड यहां पर यू नो अकाउंट का कॉस्टिंग जैसा नहीं है कि नाइनटीन नाइनटी नाइन का बैलेंस शीट आज भी टैली कर रहे तो वैसे ही टैली होगा समझ में आया दिस सब्जेक्ट हैज गॉट सो मेनी अमेंडमेंट एंड बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट एग्जामिनर गॉट सो मेनी चांस टू ट्वीक द थिंग्स इन सच ए वे दैट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट समझ में आई बात अकेले उसके पास टोटल इनकम में मोर देन फाइव हंड्रेड कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये मोर लेस भी नहीं और हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ आता है जाता कुछ नहीं समझ में आया ये 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 हम नेवर सीन की उड़ा 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 दिया ये उड़ा दिया ये उड़ा दिया कुछ नहीं उड़ता सब आता ओनली इनकमिंग नो ये याद रखना है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सिर्फ थेरी नहीं प्रैक्टिकल करके भी कि हाँ मेरे को हर तरीके के कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व किया ठीक है चलो आते हैं सेक्शन 26 पे को ओनर कॉन्सेप्ट पे किसके ऊपर बेटा को ओनर्स प्रॉपर्टी को ओन्ड मतलब दो लोगों ने मिलके अगर एक प्रॉपर्टी ली है अगर दो लोगों ने मिलके क्या ली है एक प्रॉपर्टी ली है तो हम इसे को ओन्ड प्रॉपर्टी कहते हैं सर एक प्रॉपर्टी में कितने को ओनर हो सकते हैं जितनी कैपेसिटी आई मीन टू से आई मीन टू से कितने भी लोग मिलकर के एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस पर कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप कितने भी लोग मिलकर के ले लो कैपेसिटी वाला गेम है यस yes. मान लो अगर प्रॉपर्टी दस करोड़ की होगी एक आदमी नहीं ले पा रहा होगा कैपेसिटी नहीं है दस मील के ले लो क्या प्रॉब्लम है यस yes? अच्छा जी सर को ओन प्रॉपर्टी का हिसाब किताब कैसे होता है को ओन प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है पॉइंट नंबर वन सोच के देखिएगा एक हो सकता है को ओन प्रॉपर्टी एक दस हजार स्क्वायर फीट का फ्लैट यू नो प्लॉट ले लिया दो दोस्तों ने मिलकर के आजू बाजू में बना लिया मतलब को ओन प्रॉपर्टी बट यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेंसी डोंट यू थिंक सो अगर प्रॉपर्टी एसओपी के लिए यूज हो रही तो पहले सवाल का जवाब दीजिए क्या दोनों को ओनर एसओपी का बेनिफिट नील क्लेम कर पाएंगे क्या लगता है दिल को बोलते जाओ क्या लगता है लॉ बनाते बैठेंगे बाद में क्या दोनों को को ओनरशिप का बेनिफिट मिलना चाहिए टैक्स स्टैंडर्ड एक्शन बेनिफिटर्ड आईओबीसी मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा दोनों को टू लैख अलग अलग या दोनों को मिला के टू लैख दोनों को मिला के टू लैख मिलना चाहिए अरे या ना यही गलत है आप को ओनरशिप के केस में दोनों को अलग अलग मिलता है क्या बोला बेटा मैंने को ओनरशिप के केस में दोनों को अलग अलग मिलता है तो मान लो मैंने और अभिषेक सर ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ले ली ठीक है मैंने और अभिषेक सर ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ले ली अब ऐसे केस में क्या होगा विजय और दोनों भी सेल्फ ऑक्युपेंसी के लिए यूज कर रहे तो विजय को टू लैक अलग मिलेगा अभिषेक सर को टू लैख अलग मिलेगा गेटिंग द पॉइंट यस सो अगर ये प्रॉपर्टी किसके लिए यूज हो रही है सेल्फ ऑक्युपेंसी के लिए यूज हो रही है बोथ विल क्लेम द एसओपी बेनिफिट एंड बोथ विल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ टू लैख और थर्टी थाउजेंड एज द केस मे भी कैलकुलेशन तो पूरा एसओपी जैसे होना है अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया विजय और अभिषेक सर ने कि भैया एक प्रॉपर्टी बना देते प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते ठीक है और उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम अप्रोप्रिएट शेयर में डिवाइड कर लेंगे ये पॉसिबिलिटी बनती है हाँ या ना यस yes, अब दोनों ने अगर लेट आउट किया तो कैलकुलेशन कैसे होगा स्टेप नंबर वन कैलकुलेट द एच पी एज इफ देर इज नो को ओनरशिप सबसे पहले एचपी कैलकुलेट करो जैसे तुम कैलकुलेट करते आए हो ट्रेडिशनल वे से जैसे तुम एचपी कैलकुलेट करते आए हो ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल वैसे ही करते रहो कहीं कुछ चेंज नहीं है और उसके बाद आप क्या करो जो भी फाइनल एचपी का आंसर है उसको अप्रोप्रिएट रेशो में डिवाइड कर दो जो भी फाइनल एच पी का आंसर है उसको क्या करो अप्रोप्रिएट रेशो में डिवाइड कर दो आई यू गेटिंग द पॉइंट Yes. So, अगर आप को ओनर है को ओनर है दो बात अगर आपने एसओपी रखा है मैक्सिमम अमाउंट अगर एलओपी है तो पूरा एलओपी जैसे कैलकुलेट करो एज इफ देर इज नो कोनरशिप तो पहले से डिवाइड नहीं करने का आप जैसे एचपी निकालते हो वैसे निकालो जो फाइनल एचपी का आंसर होगा वो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे गेटिंग द पॉइंट पक्का समझ गया ठीक है अब तुम बोलते हो तो समझ गया तो समझ गया चलो ढूंढते हैं तुम्हारे लिए कुछ लो जी क्वेश्चन नंबर वन ऑफ योर मॉड्यूल रैंडमली आपको पता है किधर से भी कुछ भी आ सकता है कौन सा पता होना चाहिए चलो रजिस्टर में जाओ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ योर मॉड्यूल को ओनरशिप पे बस ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना आपका सब कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा को ओनरशिप का बेहतरीन क्वेश्चन है यह क्वेश्चन नंबर वन अच्छा आप ऐसा लिख के रखो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ मॉड्यूल इसीलिए मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ क्वेश्चन एयर क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ दिस ताकि आपको और जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखा उसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है वो लिखो को ओनरशिप कॉन्सेप्ट को ओनरशिप कॉन्सेप्ट यानी ले दे के छह क्वेश्चन किया तो पूरा एचपी खत्म डन स्टार्ट द प्रॉब्लम रीड इट रमन इज अ को हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ हिस्स ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर शेयर कितना पता चल गया इक्वल तो पहली लाइन में हमारे काम की चीज दोनों का फिफ्टी फिफ्टी आएगा दूसरा मुंसिपल वैल्यू फेयर रैंड स्टैंडर्ड एंड रेंट रिसीव भी दिया है अब बताओ प्रॉपर्टी एसओपी है या एलओपी है प्रॉपर्टी एलओपी बन गई स्टेप नंबर वन कैलकुलेट एचपी एस इफ देर इज नो ओनरशिप स्टेप नंबर जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ठीक है द लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शनली टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बाई दिच ट्वेंटी वन हैज बीन फेड बैंक ने चार्ज किया पच्चीस हजार लेकिन आपने पे किया ट्वेंटी वन इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव अक्रूवल बेसिस पर डिडक्शन मिलता है एक्चुअल पेड का कंसेप्ट कहां है बेटा मुंसिपल टैक्स तो यहां पूरा ट्वेंटी फाइव मिलेगा इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज फोर फिफ्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनपेड इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिल सकता क्यों नहीं मिलेगा अलाउड नहीं है टू रिपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैज टेकन अ फ्रेश लोन तीनों कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने मैं वहली बता रहा हूं इंटरेस्ट लोन न्यू लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बाकी सब मिल जाएगा कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अब बताइए प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है स्टेप नंबर वन क्या था कंप्यूट एचपी एज इफ देर इज नो को ओनरशिप आई थिंक इतना सब तो तकलीफ है ही नहीं वहां पे स्टेप नंबर वन आर स्टेप नंबर टू ए आर आर बनाओ वर्किंग नोट चलो सॉल्व करो क्वेश्चन बना लिया क्वेश्चन के नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर वन आर आर डिटेल्स दिए आर आर निकालो डिटेल्स दिए आर आर निकालो डिटेल्स दिए ए आर आर निकालो एचपी का फॉर्मेट लिखो पूरा फटाफट फोर्टी एट थाउजेंड इज द फाइनल बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बताइए क्या जवाब निकला आपका बाकी सबका जवाब निकला म्युनिसपल टैक्स फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड पेड बाय टेनेंट आपको नहीं लगता इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हर एडजस्टमेंट आ गए जितनी जगह पे इधर उधर के पॉइंट्स आते थे तो सब एक जगह आ गए इसलिए मैंने कहा ये छह क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बस खत्म हो गया काम कुछ और करने की जरूरत नहीं डन है तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है फोर्टी एट थाउजेंड दिखा दू जवाब पक्का मेरे को लगता है गलत है फिफ्टी टू आना चाहिए मेरा ओपिनियन बोल रहा हूं आप अपने आंसर पे और हो ना आपको क्या लगता है फिफ्टी एट या फोर्टी टू फोर्टी एट अच्छा फोर्टी एट फाइनल oh आंसर कल अलग किया नहीं, नहीं एक मिनट अब ये क्वेश्चन में आपको सही आंसर होने के बाद मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो दो पॉइंट के आपने नोट नहीं डाले कौन से दो नोट आने चाहिए यहां पे एक इंटरेस्ट ऑन अनपेड वाला दूसरा टेनेंट का म्युनिसपल टैक्स वाला तीसरा फ्रेश लोन वाला ऐसे दो तीन नोट जब तक आएंगे नहीं पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं नीचे नोट लिखो नोट नंबर वन म्युनिसपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन मुंसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन Then, point number two. Point number two. Mm -hmm. Yes, interest on unpaid interest is not allowed as deduction. डन पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री बोलो बेटा इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे ओरिजिनल लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन Is that done, मेरे बच्चा देखिए तो इसी के साथ आपका एचपी भी खत्म शायद फिफ्थ या सिक्स दे जो भी पर हम चार टॉपिक एंड कर चुके हैं रोज दो घंटे के डिसिप्लिन के साथ आप तो करते नहीं पक्की बात है या नहीं है नहीं कर पाते एकदम फैक्ट है यह सिचुएशन बट एटलीस्ट नाउ यू नो द परफेक्ट सिक्स क्वेश्चन जिसमें आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट का है ये सोनो चलिए सो so, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है 115 एंड वाला पार्ट वो मैंने आपको पहले ही बताया 115 एंड फिफ्टीन बी ए सी वाला ऑल्टरनेटिव टैक्सीम हम यहाँ नहीं देख के कहाँ देखने वाले हैं आगे डन तो ये आपका एच था सर अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूँ मैंने हर टॉपिक के ऑडियो रिविजन रिकॉर्ड करके रखे हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल सी ए विजय साडा रोमांसिंग द टैक्सेशन के साथ अगर जुड़ जाते हैं मैं इन सबके ऑडियो रिविजन भी उसके ऊपर शेयर करता हूँ यस yes, हालांकि इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि उसमें फाइल्स में जाके बच्चे क्या करते हैं मेरे को मैसेज रैंडमली वहां गए वहां जाते ही अब ये वीडियो कोई तीन महीने बाद देख रहा हूँ इमेजिन ठीक है वो बच्चा तुरंत नीचे जाएगा टेलीग्राम पे जाएगा टेलीग्राम पे जाके वहां उसको कोई दूसरा एडवर्टाइजमेंट देगा तुरंत मैसेज सर यहां पे आपने बोला था है दिख नहीं रहे वॉट इज दिस सर अंडरस्टैंड यस yes? थोड़ा सा अंडरस्टैंड कैसे ढूंढते हैं वो भी बताता हूं टेलीग्राम पे जाइए वहाँ पे फाइल्स में जाइए फाइल्स में ऑडियो नोट्स है ऑडियो नोट्स में मिल जाते हैं यस बट हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ डालते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को डालनी पड़ती है इंटर वाले हैं फाइनल वाले हैं फाउंडेशन वे है, हर एक का ध्यान रखना पड़ता है यस उतनी मेहनत एटलीस्ट आप कर लीजिए अच्छा बच्चे इतने डेंजर है जिनको बुक्स खरीदनी है फास्टैग बुक वो वेबसाइट पर जा रहे हैं वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग ये भी समझिए वेबसाइट पर जाते हैं वेबसाइट पर जाके सामने तुरंत बुक तो दिख नहीं रही बुक्स तो बुक के सेक्शन में होगी ना ियसली बाजू का बुक का सेक्शन दिख रहा है वो नहीं सर सी स्क्रीन शॉट निकाल के, वेर इज बुक सर <laughs> देखिए लाइफ में ना कुछ मेहनत खुद से करनी पड़ती है उनमें से ये भी एक है <laughs> कुछ मेहनत खुद से करनी पड़ती है उनमें से ये भी एक है राइट चलो जी सो so, हमारा एचपी खत्म हो चुका है और मतलब एक हेड बड़ा खत्म हो चुका है नेक्स्ट हेड कौन सा लेना चाहेंगे नेक्स्ट साइड कौन सा लेना चाहेंगे सैलरी पढ़ना चाहेंगे कि कैपिटल गेंस चलो सैलरी पढ़ लेंगे ठीक है अच्छा अब ध्यान से सुने जितने बच्चे ऑनलाइन भी है वो भी बड़े ध्यान से सुने कल से तीन दिन दैट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स दर्शन सर हैज अग्रीड टू टेक माय सेशन आल्सो तो कल से तीन दिन फास्ट ट्रैक का डीटी का सेशन नहीं होगा दैट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इसीलिए हमने संडे का एक्स्ट्रा सेशन ले लिया था और आने वाले संडे भी एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे सो so दैट हम हमारे टाइमलाइंस को मीट कर लें ठीक है तो कल से दैट इज 24, 25 एंड 26 सिक्स तीन दिन नहीं रहेगा जो बच्चे बाद में कभी ये वीडियो को देख रहे हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्लेलिस्ट उठाओ नया वीडियो देख लो ठीक है बाकी यहाँ पे जो फेस टू फेस में आए कल तीन दिन मेरा नहीं रहेगा बट इसी टाइम पे दर्शन सर का रहेगा वो आपको टाइम अपडेट कर देंगे राइट और मैं ट्वेंटी को वापस से सेम टाइम पे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाऊंगा अच्छा डने मालिक चलिए सो so, मेरे टाइम पे दर्शन सर लेक्चर ले लेंगे तीन दिन और उसके बाद दर्शन सर का टाइम तीन दिन अगले मैं ले लूंगा सो थिंग्स विल बी कोप अप आई विल बी ट्रैवलिंग तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसके लिए ठीक है बाकी थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर बाय बच्चों